Is it visible? Is it visible? Yes, sir.
प्रॉपरली? यस सर। यस सर। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो और इसके लिए जो टेबल लगेगा तो मैं बाद में शेयर कर दूँ। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद बोलना। क्वेश्चन कॉपी हुआ? जल्दी करो। वाह, क्वेश्चन कॉपी हुआ। अक्षय
it visible? Is it visible? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व कर जल्दी. अंशु प्रोसीड्यूर बताओ. अंशु यस सर. प्रोसीड्यूर बताओ, कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? सर वो टेबल के थ्रू कन्वेक्शनल जो है वहां से वैल्यूज लेना पड़ेगा और फिर पुट करके करना. तो यहाँ पे वैल्यू एज का वैल्यू क्या है? एज का वैल्यू है सर 0.5. एज का वैल्यू 0.5. यस सर. एज पर क्वेश्चन डी वैल्यू इज 2 एंड एज बाय डी इज इक्वल्स टू 0.5. ओके सर. वैल्यू ऑफ एज इज 2 इनटू 0.5 दैट मींस 1. यस सर. सॉल्व करो. यस সুমন হচ্ছে চেষ্টা করো. আফটার 5 মিনিটস আই উইল ডিসকাস. জাস্ট ট্রাই. जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ. শুভশ্রী হচ্ছে, সোমনাথ পড়ছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার.
फास्ट स्टेप जो है, ठीक है, फास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो टेबल है वो टेबल पहले बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या होगा, रहेगा पार्टिकल डायमीटर टाइम द एम बाय एम। सो व्हाट इज एम बाय एम, इट मींस अ परसेंट मास इन साइज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था एज पर क्वेश्चन, कोई एक बताओ, पूर्वाशा बोलो, फॉर जीरो टू द वैल्यू ऑफ परसेंट मास। अंशु बताओ। सर वन 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 परसेंट। फॉर टू टू फोर, टू टू फोर टेन, टेन, वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर फोर टू सिक्स था ना, नाइन परसेंट सर, नाइन परसेंट। ओके फॉर सिक्स टू तो ट्वेंटी फाइव, पच्चीस 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 ना, पच्चीस चिलो ना, आठस चिलो बनाए ना, आठस चिलो। अच्छा अच्छा फॉर टेन टू एटीन, एटीन 32. Next 18. For 18 to 30. 18 to 30. 18 to 30 for to? 14. 14. For 30 to 50. 50. 5%. 5. And for 50 to 100. 1. तो पहले ये जो टेबल है, ये टेबल को पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो 100% आ रहा है, या कैलकुलेट करके देखो 100 आ रहा है या नहीं। प्लस 10 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 14 है सर, आज टेबल कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट इस टेबल से क्या निकालना पड़ेगा, एन का है, ठीक है। We know the formula of n, n is equals to 1 by h into lb plus lc divided by 2, okay. So now we don't know the value of h, okay. So for the conventional type, the h by d is equals to 0.5. so that means what is the value of h, h is equals to 0.5 into 2. So how can you get the 2? According to our question, the d value is 2, so that means the value of h is 1. Next, lb by d, this one value is 2. Lb by d is equals to 2. That means what is the value of lb? Lb is equals to 2 into 2 is equals to 4. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now the lc, value of lc. So how can we get the lc value? Lc divided by d is equals to also 2. So that means the value of lc is equals to 4. Okay, so ultimately we get the value of n,
which is 1 by 1 into 2, sorry, 4 plus 2. That means 6. Okay. So, the 6 aaya, n ka value? सर एलसीबी 4 होगा ना सर हाँ एलसीबी 4 होगा लेकिन एलसी बाय 2 हुआ था ना यहाँ पे देखो तो इसलिए 2 हो जाएगा ओके सर तो फिर n का वैल्यू आ गया द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू नाउ vi व्हाट इज द फार्मूला ऑफ vi pi इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय w इनटू h सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q द वैल्यू ऑफ q इज व्हाट The value of Q 180. Value of Q is 18. Value of Q 180 tha. Value of Q 180 tha. Anshu? Yes, sir. ठीक. और W और H, ठीक है? तो एज का वैल्यू तो पता है एज का वैल्यू क्या था 1 था अभी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू द एज 0.5 वेरी गुड डब्ल्यू बाय डी इज इक्वल्स टू 0.25 सो वी नो द वैल्यू ऑफ डी इज 2 सो दैट मींस इनटू 2 यू कैन गेट द 0.5 okay so ultimately the value of w is 0.5 okay convert it into the meter per second after conversion meter per second calculate below 360 बताओ जल्दी बताओ जीआई का वैल्यू बताओ सिक्स मीटर क्यूब पर सेकेंड बाकी सबका सेम आ रहा है सिक्स आ रहा है सबका यस सर सिक्स मीटर क्यूब पर सेकंड नेक्स्ट अच्छा अब क्या करना पड़ेगा बताओ D of PC is equals to root over 9 by 2 pi into U W by I to rho p minus rho a. Okay. Iska value nikalo.
W का वैल्यू पता है, V का वैल्यू, N का वैल्यू भी निकल गया, V का वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे P का वैल्यू भी दिया हुआ है, PA का जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है, अब D of PC क्या है ये निकालो। So, ये पीपी क्या होते हैं? पीपी नहीं, रोपी, आर्टिकल डेंसिटी। रोए क्या है? रोए है एयर डेंसिटी, एयर के भीतर जो भी पार्टिकल रहता है, ठीक है, वहां पे पार्टिकल डेंसिटी को एयर डेंसिटी से माइनस करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ रोपी एंड रो। ठीक है अंशु? यस सर। सर म्यू वैल्यू का तो कौन सा सर म्यू डब्ल्यू की तरह म्यू बोलबो ना नीचे करो म्यू टा की जिनिस व्हाट इज म्यू एयर विस्कोसिटी For one atmospheric pressure, the standard value of the air viscosity क्या है? Shumon? Is the value of air viscosity? Anshu? Sir, 1.82 into 10 to the power minus 5. 1.81 into 10 to the power minus 5 kg per meter in second. डी ऑफ पीसी का वैल्यू बता दो। Sir, 1.34 into 10 to the power minus 5.
1.34 into 10 to the power minus 5. अच्छा दैट मीन्स माइक्रोन में निकालो उसको 0.13 समथिंग होगा. सबका वैल्यू पहले आने दो. अंशु वैल्यू क्या आ रहा है? सुमन सोमनाथ पूर्वाशा करछो सर आमी तो बोललाम 1.3. ओ हां तुमी बोलले. हां हां बाकी देर पड़ते दो आरो दुई एकटा वैल्यू देखी. अक्षय क्या रहा है वैल्यू बताओ? डीसी का वैल्यू क्या रहा है? अंशु पूर्वाशा डीसी एर वैल्यू क्या आसलो? डी ऑफ पीसी सुमन तुम वैल्यूटा बोलो. सर 1.342 इन 10 टू पावर माइनस 5 मीटर ताले होते 0.134 माइक्रो. नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट साइज रेंज जो टेबल होगा वहां पे होगा साइज रेंज. नेक्स्ट होगा वहां पे एवरेज साइज. नेक्स्ट कलेक्शन एफिशिएंसी. कलेक्शन एफिशिएंसी नेक्स्ट होगा मास फ्रैक्शन. मास फ्रैक्शन नेक्स्ट इज द
contribution to the performance. That means n into m by m. ठीक है, तो अल्टीमेट जो आएगा, ठीक है, that is the average वैल्यू से n निकालना पड़ेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन से कलेक्शन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे तो जो है उसको प्लस कर देना, तो अल्टीमेटली जो साम आएगा वो साम ही होगा यहाँ पे, ठीक है.